Good morning. Today is 22nd of August 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से articles आज हम discuss करने जा रहे हैं. यहाँ पे जो article है prison reform से related है, इस article को हम discuss करेंगे. नीचे का article उत्कल express से related है, जो पटरी से नीचे उतर गई, एक बड़ा ट्रेन हादसा हो गया और 23 लोगों की जाने चली गई. इस article में हम चर्चा करेंगे कि बार बार रेलवे एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं. और यहाँ पे जो बड़ा आर्टिकल है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंडिया और नेपाल के बीच रिलेशंस को लेके. नीचे जो आर्टिकल है मीडिया रिफॉर्म से रिलेटेड है, इस आर्टिकल पे भी हम चर्चा करेंगे. साइड में जो आर्टिकल है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण आर्टिकल है. ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, राजनीति से संबंधित ये आर्टिकल है. और नीचे दो आर्टिकल्स हैं ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है. तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. पहले आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट है पूरी हरिद्वार उत्कल एक्सप्रेस डिरेल हो गई और जिसकी वजह से एक बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, बड़ा ट्रेन हादसा हो गया और 23 लोगों की जानें चली गईं. क्या रीजन है इस ट्रेन एक्सीडेंट का? रीजन है ह्यूमन एरर. कैसे? ट्रैक पे मेंटेनेंस का कार्य चल रहा था, मरम्मत का कार्य चल रहा था और ट्रैक्स को अभी ज्वाइन भी नहीं किया गया था, लेकिन ट्रेन वहां पर आ गई और इस तरह का बड़ा हादसा हो गया. वैसे तो देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या ये कम्युनिकेशन का फेलियर था या फिर कैजुअल और लिथार्जिक अप्रोच थी उन ऑफिशियल्स की जो मेंटेनेंस के कार्य में लगे हुए थे, जिसकी वजह से वहां पे ट्रेन आ गई लेकिन ट्रैक अभी ज्वाइन नहीं था. लेकिन आर्टिकल कहता है कि पहले भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, लेकिन उन एक्सीडेंट्स में भी ह्यूमन एरर्स हुई थी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अभी तक फिक्स नहीं की जा सकी है. एक आंकड़े के अनुसार 2012-13 से लेकर 2015-16 के बीच में 303 रेल एक्सीडेंट्स हुए और उनमें से 70% एक्सीडेंट्स ऐसे थे जिनमें ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल थे उन एक्सीडेंट्स के लिए, लेकिन अभी भी कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जा सकी है, कोई कार्रवाई उन ऑफिशियल्स के ऊपर में नहीं की गई है. अभी कुछ दूसरे रीजंस हम डिस्कस कर लेते हैं. कई बार देखो ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं ट्रैक्स में. इस बार तो साफ साफ ह्यूमन एरर रिस्पॉन्सिबल थी, लेकिन कई बार ट्रैक्स में डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं, उनकी वजह से भी ट्रेन एक्सीडेंट्स काफी ज्यादा होते हैं. इवन ये सेकंड बिगेस्ट रीजन है डिफेक्ट्स इन ट्रैक्स जिसकी वजह से ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं. और एक काफी लंबे समय से बात चल रही है LHB कोचिज, ये जर्मन कोचिज हैं. कई बार देखो ट्रेन हादसा होता है तो आपने देखा होगा जो डब्बे होते हैं, जो कोचिज होते हैं, वो एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जाने जो है वो काफी ज्यादा जाती हैं. LHB कोचिज की बात गवर्नमेंट बार बार करती है कि हम उसे प्रोक्योर करेंगे. जर्मनी की एक कंपनी है LHB, वो कोचिज प्रोवाइड करती है, वो रेल के डब्बे प्रोवाइड करती है. अगर उन कोचिज को यूज किया जाएगा तो ये बहुत ज्यादा जो एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें जाने ज्यादा चली जाती हैं, इंजरीज ज्यादा चली जाती हैं, वो नहीं होंगी. यानी एंटी क्लाइंबिंग कोचिज हैं, वो एक के ऊपर एक नहीं चढ़ेंगे. उसके बाद में गवर्नमेंट ने 2015-16 के रेलवे बजट में एक 5 साल का कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान बनाया था, वो अभी भी अप्रूव होना बाकी है. तो इस तरफ गवर्नमेंट को ध्यान देना काफी जरूरी है. इसके अलावा सैबोटेज भी एक मेजर रीजन है जिसकी वजह से काफी बार बड़े ट्रेन हादसे हो जाते हैं. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली जो है जानबूझ के ट्रैक को उखाड़ देते हैं और काफी बड़े हादसे कई बार इससे हो जाते हैं. अब कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि हम अगर इन सजेशंस को अपनाएं तो ट्रेन एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं. सबसे पहले बात होती है LHB कोचिज की. LHB कोचिज के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, जर्मन कंपनी है और मेजर जो फीचर है इन कोचिज का वो है एंटी क्लाइंबिंग फीचर. यानी एक्सीडेंट के बाद में कई बार जैसे हम देखते हैं एक के ऊपर में एक कोचिज चढ़ जाते हैं तो काफी डेथ्स हो जाती हैं, तो डेथ्स को मिनिमाइज किया जा सकता है एक्सीडेंट के बाद में अगर इन कोचिज को अपनाया जाता है और इंक्लूड किया जाता है तो ट्रेन के अंदर में. उसके बाद में है अल्ट्रासाउंड फ्लॉ डिटेक्शन टेक्नोलॉजी. अब देखो ट्रैक्स की देखरेख के लिए ये देखना ट्रैक के किसी पार्ट में कोई खामी तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है, बाद में उसे दुरुस्त करना, ये सारा काम मैनुअली होता है. अल्ट्रासाउंड फ्ला डिटेक्शन टेक्नोलॉजी से हम देख सकते हैं ट्रैक के किसी पार्ट में कोई खामी तो नहीं है. फिर एक तो देखो पहले से सूचित किया जा सकता है, ट्रेन वहां से गुजरेगी ही नहीं, और ये काम जो है काफी आसान हो जाएगा अगर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं तो. सबसे लास्ट में है एंटी कोलिजन सिस्टम. कई बार जब दो ट्रेन आपस में टकरा जाती हैं तो उस चीज को भी अवॉइड किया जा सकता है एंटी कोलिजन सिस्टम से. ये देख लेते हैं पहले ही, ट्रेन को पता लग जाता है कि दूसरी ट्रेन सामने से आ रही है तो ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं एंटी कोलिजन सिस्टम अगर अपनाया जाता है तो. तो 3-4 चीजें हैं स्पेशली हम बात कर रहे हैं रेल एक्सीडेंट्स की. उसके बाद में देखो प्रॉपर ढंग से और भी काफी सारी चीजें हो सकती हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, और कई बार अगर अल्कोहल से कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं तो भी एक जैसे DGCA जांच करता है पहले पायलट्स की, क्या अल्कोहल का सेवन तो नहीं किया हुआ, उस तरह की चीजें भी रेलवे अपना सकता है. और जब भी रेल एक्सीडेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो काकोडकर कमेटी का नाम आप जरूर लिखना. अब क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से आ सकता है. पेपर 3 में क्वेश्चन आएगा क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो पेपर 3 के अंदर में आते हैं.
क्रिटिकली एग्जामाइन आपको करना है, रिसेंट में जो रेलवे एक्सीडेंट्स हुए हैं उनके पीछे क्या कारण है। इसके अलावा आपको ये भी डिस्कस करना है कि गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स उठाए हैं रेलवे सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। तो आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद में अगला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड ये आर्टिकल है। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कंटेक्स्ट है बेंगलोर जेल का। वहाँ पे आरोप लगे कि जो बेंगलोर जेल है वहाँ पे शशिकला सजा सुनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल की, वहाँ पे शशिकला सजा काट रही हैं और काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं शशिकला को। और एक ऑफिसर थी, एक आईपीएस थी, उन्होंने ये सारा मामला मीडिया के सामने उजागर किया, बाद में उन पर कार्रवाई हुई, उनका तबादला हो गया था। फैसिलिटीज़ जैसे कि किचन की फैसिलिटीज़, अटेंडेंस 4-5, और अभी तो इस तरह की भी खबरें आई हैं कि उन्हें जेल से बाहर जाने दिया था, समझ गए। तो कहने का मतलब ये है, कंटेक्स्ट ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो अमीर लोग हैं जिनके पास में पैसा है, पावर है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनके लिए काफ़ी कंजेस्टेड जेल होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होता। तो कुछ ऐसी चीज़ों पर हम अभी डिस्कशन कर लेते हैं, क्वेश्चन आएगा तो प्रिजन रिफॉर्म्स पर आ सकता है। पहले प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉब्लम है कस्टोडियल डेथ। काफ़ी बार जेल के अंदर में डेथ हो जाती है और अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर ढंग से फिक्स नहीं हो पाती क्यों डेथ हुई कैदियों की। उसके बाद में जो ड्रग्स हैं वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं जेल में, तो देखो कुछ भी अवेलेबल नहीं होना चाहिए, लेकिन मोबाइल फोन्स, ड्रग्स, ये सब चीज़ें भी जेल ऑफिशल्स की मिलीभगत से आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं कैदियों के लिए में। ओवरक्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, काफ़ी बार सर्वेज आते हैं 3 गुना ज़्यादा जो है प्रिजनर्स हैं हमारी जेल्स के अंदर में, तो ज़्यादा जेल्स बनाने की आवश्यकता है, ओवरक्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी वीक रहता है, प्रॉपर ढंग से जो एडुकेट फैसिलिटीज़ हैं वो कैदियों को, प्रिजनर्स को अवेलेबल नहीं हो पाती। और ज़्यादातर जो प्रिजनर्स हैं वो अंडर ट्रायल्स हैं। वैसे तो देखो ये पॉइंट प्रिजन प्रॉब्लम्स में नहीं आएगा, ये तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका पॉइंट है। अंडर ट्रायल्स मतलब कि देखो इन्वेस्टिगेशन है, कई बार काफ़ी वीक होती है, अरेस्ट कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा और लंबा ट्रायल चलता रहता है, काफ़ी ट्रायल डिले हो जाता है। तो ज़्यादातर जो प्रिजनर्स हैं हमारे जेल्स के अंदर में वो अंडर ट्रायल होते हैं। अनहाइजीनिक कंडीशंस, साफ सफाई नहीं होती जेल्स के अंदर में, प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं हो पाती, कई बार जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं प्रिजनर्स, एक्सप्लोटेशन और टॉर्चर, कैदियों को देखो बाकी कैदियों से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोटेशन और टॉर्चर का खतरा हमेशा बना रहता है। तो ये कुछ प्रिजन की प्रॉब्लम्स हैं। अब रिफॉर्म्स किस प्रकार से ला सकते हैं? सबसे पहले तो देखो आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी। अगर किसी जेल में कुछ भी गलत होता है तो जेल के हेड या फिर हायर जो ऑफिशियल्स हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि उनकी जेल में कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। कैसे जो कैदी हैं, प्रिजनर्स हैं, वो मोबाइल फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे ड्रग्स आसानी से एक्सेसिबल हैं जेल्स के अंदर में, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। उसके बाद में सर्विलियंस, कई बार तो ये देखने को मिलता है कि जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो मिलीभगत मिलती है उनकी, लेकिन कई बार वो लिथार्जिक ड्यूटी मिलती है, ड्यूटी में कोताही, यानी वो प्रॉपर ढंग से सर्विलेंस नहीं करते, तो सर्विलेंस की भी आवश्यकता है। सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए जेल्स के अंदर में, ऐसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं। उसके बाद में है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। देखो प्रिजनर्स हैं लेकिन ह्यूमन राइट्स तो उनके भी हैं ना, यानी कानून के दायरे में जो जो फैसिलिटीज लिखी गई है कम से कम वो तो उनको प्रोवाइड करो। इसके लिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किए जाने की आवश्यकता है। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, कई बार देखो जो कैदी हैं, प्रिजनर्स हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो टाइम टू टाइम उनका हेल्थ चेकअप और डिप्रेशन दूर करने के लिए साइकेट्रिस्ट हैं वो अवेलेबल करवाया जा सकता है जेल स्टाफ के द्वारा। और सबसे लास्ट में है, जब भी कोई कस्टोडियल डेथ होती है तो तुरंत उसको सूचित किया जाए NHRC को, यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को, ताकि वो देख सकें, जांच कर सकें क्या ये वास्तव में एक प्रकार से सुसाइड था या फिर किसी और के द्वारा की गई हत्या थी। तो इन केसेस को डायरेक्टली सूचित किए जाने की आवश्यकता है NHRC को। ये कुछ रिफॉर्म्स हैं जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? क्वेश्चन इसका आ सकता है पेपर 2 के अंदर में। सिंपल क्वेश्चन, क्रिटिकली एनालाइज द नीड ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स इन इंडिया। पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था। जिन लोगों ने पहले इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया था, आवश्यकता नहीं है कि दोबारा फिर से अटैम्प्ट करो, बाकी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। अगला आर्टिकल इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशंस को लेके है। कंटेक्स्ट क्या है? नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ये भारत की यात्रा पर आ रहे हैं कल से। तो कनकमणि दीक्षित जिन्होंने आर्टिकल लिखा वो कहते हैं कि फिर से एक मौका है नेपाल और इंडिया के रिलेशंस को फिर से रीसेट कर दिया जाए। रीसेट करने की बात क्यों कह रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में? सबसे पहले हम बैकग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं। पहले पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड थी नेपाल के अंदर में, और माओइज्म भी था। 2006 में इंडिया ने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जिस पे ना सिर्फ माओइस्ट आए नेपाल के, बल्कि नेपाल की पॉलिटिकल पार्टीज भी आई। इंडिया ने कहा कि आप अपना नए सिरे से संविधान बना लीजिए और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कीजिए।
तो दो बार उन्होंने कोशिश करी, पहली बार में कंस्टिट्यूट असेंबली के इलेक्शंस हुए लेकिन काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में और वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके। दूसरी बार कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के इलेक्शंस हुए और काफी मान मनोबल के बाद में, काफी सालों के बाद में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। लेकिन जब उन्होंने अपना संविधान बनाया तो इंडिया ने उसका वेलकम नहीं किया, इंडिया ने नोट किया सिर्फ। उसके पीछे काफी सारे कारण हैं। वैसे इंडिया ने तो जो एक मेजर रीजन बताया था वो ये बताया था कि यहाँ पे जो मधेसीज रहते हैं उनके डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया गया है और इससे इंडिया की सिक्योरिटी को खतरा हो गया है। इंडिया ने एक ब्लॉकेड भी लगा था लेकिन भारत सरकार ने कभी नहीं माना कि ब्लॉकेड हमने लगाया है। ये ब्लॉकेड था क्योंकि मधेसी वो ट्रक्स को आगे नहीं जाने दे रहे थे, जबकि नेपाल के लोग काफ़ी तरह की बातें कहते हैं, उनके एक्सपर्ट्स काफ़ी तरह की बातें कहते हैं। वो कहते हैं इंडिया चाहता था कि नेपाल अपने आप को संविधान में एक हिंदू राष्ट्र बताए, या फिर जो फेडरलिज्म यानी जो वहाँ पे डिफरेंट प्रोविंसेस का निर्माण किया गया है वो इस मॉडल पे होना चाहिए था। देखो अलग अलग जो प्रोविंस बने हैं अभी नेपाल के अंदर में वो ऐसे बनने थे, हॉरिजॉन्टल बनने चाहिए थे, जो लाइंस हैं वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड होनी चाहिए थी। तो इससे क्या होता, जो ये सारे मधेसी रहते हैं इस बॉर्डर के पास में वो एक प्रोविंस में आ जाते, एक ताकत बन के उभरते, जबकि अभी प्रोविंस बनाया है ऐसे, इससे चाइना को फायदा है। मधेसीज को डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया है और वो एक ताकत नहीं है, तो इसकी वजह से ब्लॉकेड हुआ था। तो इंडिया की काफ़ी किरकिरी हुई थी और वहाँ के जो लोग थे काफ़ी इंडिया के खिलाफ हो गए थे। देखो मूल कारण मैं आपको बताता हूँ, रिलेशंस इंडिया और नेपाल के क्यों खराब रहते हैं। नेपाल बार बार आरोप लगाता है कि इंडिया एक बिग ब्रदर का रवैया अपनाता है, बड़े भाई का रवैया अपनाता है, बार बार हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है, मैनिपुलेट करता है चीज़ों को, और जो सम्मान देना चाहिए इंडिया को एक दूसरे सॉवरेन कंट्री को वो सम्मान इंडिया नहीं देता। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ मैं, फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी 1950 के आसपास में, वो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी तो हमारी तरफ से एम्बेसडर ने वहाँ पे उस फ्रेंडशिप ट्रीटी पे साइन किए थे और नेपाल के प्रधानमंत्री ने साइन किए थे, तो वहीं से उनको लगता है कि इक्वल सम्मान जो मिलना चाहिए हमको वो इक्वल सम्मान नहीं मिलता। और इस ब्लॉकेड के बाद में क्या हुआ, ब्लॉकेड के बाद में चाइना के करीब आ गया नेपाल और ज़्यादा, जो ट्रेड और ट्रांजिट दूसरी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए गए। और अभी कुछ ही लोगों को पता होगा कि जो नेपाल के काफ़ी सारी सिटीज़ हैं वो चाइना से ज़्यादा कनेक्ट हैं बजाय इंडिया के, समझ गए। ब्लॉकेड के बाद में मधेसीज की मांग को लेकर इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल भी गया तो रिलेशंस में और ज़्यादा तलखी आ गई। मेजर रीज़न यही है, बार बार जो एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स मान लो नेपाल को, जैसे एक आइडेंटिटी का इशू मान लो। जैसे अब मैं बताता हूँ, अर्थक्वेक आया था नेपाल के अंदर में और भारत की सेना ने काफ़ी मदद करी थी वहाँ पे, लेकिन जो हमारी मीडिया है उन्होंने इस इशू को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर दिया था, तो नेपाल के लोग इससे काफ़ी नाराज हो गए थे। आप मदद कर रहे हो क्या, अपनी बड़ाई कर रहे हो, आपकी मीडिया बार बार अपनी बड़ाई करती जा रही है, अपनी तारीफ करती जा रही है और हमें नीचा दिखा रही है। इस बात को लेकर काफ़ी विवाद उत्पन्न हो गया था कि आप मदद मत कीजिए अगर आपको इस प्रकार से हमारी बेइज्जती करनी है। तो इस प्रकार के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, ये देखो जो हमने अभी बातें की। और दूसरे रीजन्स की बात करें तो देखो काफ़ी बार इलेक्टोरल कैलकुलेशंस भी होती हैं, बिहार और यूपी में जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो फिर नेपाल के रिलेशंस में तलखी आ जाती है, क्योंकि जो मधेसीज यहाँ पे रहते हैं बॉर्डर पे उनकी मांग को इंडिया बार बार उठाता है और उनके जो रिश्तेदार हैं वो बिहार में भी रहते हैं, यूपी में भी रहते हैं, तो उनकी मांग को अगर बार बार इंडिया उठाएगा तो नेपाल को लगता है कि आप इंटरफेयर कर रहे हो हमारे बीच में। और जब कोई भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं मधेसीज की मांग को बार बार उठाते हैं ताकि उनको फायदा हो बिहार और यूपी के इलेक्शंस में, मधेसीज को भी अभी यूं लगता है कि हमें यूज एंड थ्रो किया जा रहा है, क्योंकि अभी लोकल पंचायत हुए थे, इंडिया ने उन इलेक्शंस को सपोर्ट किया था, तो मधेसीज को लगता है कि इंडिया हमें यूज कर रहा है। उसके बाद में कुछ छोटी प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे नोटबंदी। देखो इंडिया का जो रुपया है वो बहुत ज़्यादा चलता है नेपाल के अंदर में। अब जब नोटबंदी इंप्लीमेंट की गई थी तो कई इलाके ऐसे हैं नेपाल के जो पहाड़ी इलाके हैं, माउंटेन्स रीजन है, वहाँ पे लोगों ने इंडियन करेंसी संभाल के रखी थी, लेकिन उनको काफ़ी टाइम लगा कि वो नीचे आए, पहाड़ों से नीचे आए, पैसा जमा कराएं, क्योंकि वो पैसा सिर्फ इंडिया के अंदर में जमा हो रहा था, शायद कि अब तक नेपाल के अंदर में भी जमा हो रहा हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में अभी इंडियन करेंसी है नेपाल के अंदर में, लेकिन वो अपनी करेंसी वापस जमा नहीं कर पाए, आरबीआई के पास में वो करेंसी आ नहीं पाई, तो बहुत लोगों को नुकसान हुआ। जीएसटी के बाद में नेपाल को काफ़ी नुकसान हो रहा है। नेपाली जो रुपया है वो टैग्ड है इंडियन रुपये के साथ में, यानी कीमतें हैं ऑलमोस्ट प्रोपोर्शन में रहती हैं इंडियन रुपये की और नेपाली रुपये की भी, और दोनों के दूसरे जो छोटे इश्यूज हैं, जैसे नेपाली जो लोग यहाँ पे आए हैं उनके जो राइट्स हैं उनका काफ़ी बार वायलेशन होता है, अच्छा बिहेवियर नहीं होता, और जो हमारे जो लेबर हैं वहाँ पे गई हैं कई बार उनके साथ में अच्छा बिहेवियर नहीं होता। बॉर्डर डिस्प्यूट भी है, दो जगह बॉर्डर डिस्प्यूट है, कालापानी और ट्रायन जंक्शन लिपू लेक उत्तराखंड में, दो जगह पे डिस्प्यूट है।
इस डिस्प्यूट को भी सुलझाए जाने की आवश्यकता है। दूसरे प्रॉब्लम्स की बात करें तो देखो, बॉर्डर जो है काफी ओपन है। पहले तो नेपाल की जो पार्टीज थी वो बार बार मांग करती थी कि बॉर्डर जो ओपन है इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। बाद में जो इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो मांग करने लगी कि हम भी इस बात से सहमत हैं। अब नेपाल वाले नहीं कह रहे, नेपाल वाले कह रहे हैं कि बॉर्डर बंद हो गया तो काफ़ी ज़्यादा हमारी जो लेबर वहाँ पर इंडिया के अंदर में आती है उनको काफ़ी नुकसान होगा। तो इसको ओपन बॉर्डर को लेकर भी कुछ रेगुलेशंस होना चाहिए, कुछ सहमति बननी चाहिए। फ्लड्स बार बार, देखो बाढ़ आ जाती है, कोसी रिवर जो बाढ़ के लिए जानी जाती है बिहार में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है कोसी रिवर, क्योंकि दिक्कत है सिल्टेशन यानी गाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा जमा हो गया है कोसी रिवर के कारण में, जिसकी वजह से लेवल बढ़ गया है और ये रिवर जानी जाती है बार बार अपना रास्ता चेंज कर लेती है। यानी देखो उदाहरण के तौर पे बताऊँ, आज ऐसे जा रही है कल ऐसे जाएगी, मतलब रास्ता चेंज कर लेगी यहाँ से, फिर अगले दिन ऐसे जाएगी, मतलब इस प्रकार से अपने रिवर कर्स को चेंज करने के लिए जानी जाती है कोसी रिवर, और इसकी वजह से बाढ़ जो है काफ़ी ज़्यादा आती है। तो दो चीज़ें हैं, देखो इंडिया तो कहता है कि नेपाल से आती है कोसी रिवर, ऊपर डैम बना दिया जाए, रिजर्व बना दिया जाए तो बाढ़ को रोका जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इससे इंडिया को और भी लगता है, इंडिया को लगता है कि फ्लड तो कंट्रोल होगा ही, नेविगेशन के लिए यूज किया जा सकता है, अर्बन यूज के लिए, इरिगेशन के लिए भी बिहार और उत्तर प्रदेश में यूज किया जा सकता है कोसी रिवर को, अगर ऊपर नेपाल के अंदर में डैम या फिर रिजर्व बना दिया जाए तो। नेपाल कहता है कि नीचे ही यानी इंडिया के अंदर में ही रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए वाटर को, इससे भी फ्लड को रोका जा सकता है। कहने का मतलब है कि अगर इस पूरे रीजन में नेपाल के अंदर में भी काफ़ी फ्लड्स आती हैं और इंडिया के अंदर में भी काफ़ी फ्लड्स आती हैं तो दोनों देश साथ मिलकर काम करें तो काफ़ी कुछ किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी, ये कहते हैं कि देखो नेपाल का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है और इंडिया बार बार कहता है इस बात को कि आप प्रोजेक्ट्स बना लीजिए या फिर हम आपके प्रोजेक्ट बना लेंगे और हम आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी खरीद लेंगे, लेकिन ये कहते हैं कि अभी धीरे धीरे हमारे देश की यानी नेपाल की जो कंपनीज हैं वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रियलाइज कर रहे हैं, रीच कर रहे हैं, लेकिन इंडिया ने अब कंडीशंस रख दिए काफ़ी ज़्यादा। जैसे इंडिया कहती है कि हम उन्हीं कंपनी से बिजली खरीदेंगे जिसमें इंडिया की कंपनी की या फिर इंडिया की 51% हिस्सेदारी से ज़्यादा है, समझ गए। तो इस प्रकार की कंडीशंस लगा रहा है इंडिया और इस बात से नाराज हैं नेपाल के कुछ लोग। उसके बाद में काफ़ी बार ऐसा होता है कि बॉर्डर पर जो ट्रेड होता है वहाँ पर काफ़ी देरी होती है, आर्बिट्ररी ब्लॉकेज हो जाता है और जो कस्टम हाउसेज हैं इंडियन बॉर्डर की साइड में वो कस्टम हाउस जानबूझ के जो सामान को डिले करते हैं, पेरिसेबल आइटम्स जो है वो नष्ट हो जाता है इसकी वजह से। तो वे फोर्ड में क्या आता है, वे फोर्ड में ये कहते हैं कि देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं नेपाल की, इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है नेपाल के अंदर में कि उन्होंने तो अपना कॉन्फिडेंस है वही लूज कर दिया है कि वो इंडिया से किसी प्रकार से डील कर सकते हैं। लेकिन अब एक उम्मीद है, नए प्रधानमंत्री आए हैं नेपाल के अंदर में और ऐसा दिख रहा है कि इंडिया ने भी अभी कंसर्न्स को देखते हुए, अभी जिस प्रकार से चाइना जो है वो बार बार अपनी डोमिनेंस को बढ़ा रहा है तो इंडिया ने भी अपनी नेपाल पॉलिसी को चेंज कर लिया है। तो एक मौका है अभी दोनों देश फिर से अपने रिलेशंस को रीसेट कर सकें और अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकें। तो ये पूरे का पूरा आर्टिकल था। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ जो कि मीडिया से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मीडिया, जिसे डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन आज काफ़ी सारी खामियां देखने को मिलती हैं मीडिया में और अर्जेंट रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। पहले तो सिर्फ पेड न्यूज़ की दिक्कत थी, लेकिन आजकल एडिटोरियल यानी जो एडिटर्स हैं वो भी एडिटोरियल के अंदर में किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा दूसरे प्रॉब्लम्स की बात करें तो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के बीच में, डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के बीच में एक टीआरपी को लेकर रेस देखने को मिल रही है और इसके लिए अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और देखो एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि जो बार्क एजेंसी है जो टीआरपी प्रोवाइड करती है कि कौन से न्यूज़ चैनल्स को कितना ज़्यादा देखा जा रहा है, कौन से टीवी चैनल को कितना ज़्यादा देखा जा रहा है, तो वो जो एजेंसी है डेटा प्रोवाइड करती है उसके लिए एक सैंपल डेटा वो लेती है, यानी डिफरेंट जो फैमिलीज़ के टेलीविजन्स हैं उसको वो मीटर से जोड़ देती है ताकि किस टाइम पे कौन से प्रोग्राम को ज़्यादा देखा जा रहा है, इस प्रकार से वो टेलीविजन डेटा लेती हैं। लेकिन आजकल जो टीवी चैनल्स हैं या फिर न्यूज़ चैनल्स हैं वो क्या करने लगे हैं, उन फैमिलीज़ के साथ में जहाँ पे मीटर लगाया गया है बार्क एजेंसी के द्वारा, उन फैमिलीज़ को नया टीवी दे देते हैं या फिर दूसरी तरह के लालच दे देते हैं और कहते हैं कि आप अपने पुराने टीवी पे जिसके साथ मीटर अटैच्ड है और जिस मीटर को देख रही है बार्क एजेंसी टीआरपी रेटिंग्स प्रोवाइड करने के लिए, और जो ये टीवी चैनल्स हैं उन फैमिली को कहते हैं कि आप पर्टिकुलर टाइम पे यही चैनल देखना, यही शो देखना ताकि उनकी रेटिंग्स बढ़ जाएं। इस हद तक देखो मीडिया अब जा रही है। उसके बाद में सेंसेशनलिज्म यानी चीज़ों को सनसनीखेज बना के दिखाया जा रहा है, क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, दाऊद इब्राहिम को कितना ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, वो एक क्रिमिनल है, टेररिस्ट है, लेकिन मीडिया इस प्रकार से शो करती है चीज़ों को, क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करके दिखाया जाता है। नेशनल सिक्योरिटी,
कई न्यूज चैनल्स हैं जिन पे आरोप लगता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी को भी दांव पे लगा देती हैं, जैसे पिछले दिनों एनडीटीवी पे आरोप लगा था, उसके बाद में डिवाइड द कंट्री। देखो आजकल जो मीडिया चैनल्स हैं वो बल्कि ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं कास्ट के नाम पे, धर्म के आधार पर बार बार उन्हीं चीजों को दिखाया जा रहा है। आजकल सभी टीवी चैनल्स जो हैं हिंदू मुस्लिम से भरे हुए हैं और बार बार चीजों को बल्कि जोड़ने के बजाय देश को डिवाइड किया जा रहा है जाति के नाम पर। जब इलेक्शंस होते हैं तो दिखाया जाता है किस प्रकार से इस जाति के लोग इस पार्टी को वोट देते हैं, दूसरी जाति के लोग दूसरी पार्टी को वोट देते हैं। तो मीडिया बजाय इसके कि अवेयरनेस फैलाए, चीजों को दूसरे ढंग से विकृत करके पेश किया जाता है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है जो सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ में फिक्सिंग कर ली जाती है कि हम आपकी इवेंट को प्रमोट करेंगे, आपके ब्रांड को प्रमोट करेंगे और इसके लिए आप हमको पैसे देना। इस प्रकार की चीजें बहुत देखने को मिलती हैं। अभी देखो कॉरपोरेट के साथ में भी जो मीडिया की फिक्सिंग है वो कैसे होती है। जो बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं, जैसे आप न्यूज 18 मान लीजिए, जो IBN 7 है, फर्स्ट पोस्ट जो वेबसाइट है, अंबानी की वेबसाइट है, मतलब जो मुकेश अंबानी हैं उनके काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है, और भी जो न्यूज चैनल्स हैं कहीं ना कहीं जो बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं उनके हिस्सेदारी देखने को मिलती हैं। कई बार तो दूसरे कॉरपोरेट ग्रुप्स को मैलिन करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए भी मीडिया का यूज किया जाता है। और देखो एक डिवाइड होना चाहिए, एडिटर्स और मैनेजर्स के बीच में डिवाइड होना चाहिए, यानी जो चैनल का मालिक है उसके पास में एडिटोरियल की यानी एडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल जो ये लाइन है वो ब्लर हो रही है। अगर देखो एडिटर है, मान लो एडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पैसा कमा के देना है, तो वो तो फिर इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे ना, वो तो ज्यादा से ज्यादा फिक्सिंग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको यूं लगता है कि अगर प्रॉफिट नहीं दिया बॉस को तो दिक्कत हो जाएगी। तो एडिटर और जो MD हैं वो अलग अलग होने चाहिए। एडिटर का काम ये होना चाहिए कि निष्पक्ष रूप से बस अपनी न्यूज रखना, और जो मैनेजर का काम ये होना चाहिए कि न्यूज चैनल्स को कैसे प्रमोट करना है। वो इंटरनल चीजों में इंटरफेयर नहीं करेगा, मैनेजर जो MD है वो ये नहीं देखेगा कि किस प्रकार की न्यूज पेश की जा रही है, समझ गए। लेकिन ये लाइन आजकल ब्लर हो रहा है, जो एडिटर है उसी को MD बनाया जा रहा है, उसी के ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा के दे चैनल के मालिक को। रेगुलेशन की बात करें तो फिलहाल सिर्फ अभी सेल्फ रेगुलेशन है, और सेल्फ रेगुलेशन के नाम पे कुछ भी नहीं होता। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है लेकिन वो पूरी तरह से टूथलेस है, और ये सिर्फ प्रेस के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के लिए नहीं है। ये तो अर्जेंट रिफॉर्म्स लाने की अभी आवश्यकता है, कुछ रिफॉर्म्स का सजेशन भी दे रहे हैं। सबसे पहले तो देखो जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट को आगे आना होगा, अगर उनके चैनल में कुछ भी गलत हो रहा है तो वो पब्लिक में आएं और उसके खिलाफ में आवाज उठाएं। कम से कम सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं उनको तो आगे आना ही होगा। क्रॉस होल्डिंग्स हैं, जो कॉरपोरेट ग्रुप्स की जो होल्डिंग्स है मीडिया के अंदर में, उस पर भी कुछ रेगुलेशन होना चाहिए। एडिटोरियल और जो मैनेजरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके बीच में एक फाइन लाइन होनी चाहिए। एडिटर काम नहीं करेगा MD का, एडिटर काम करेगा सिर्फ एडिटोरियल लिखने का, डिसाइड करने का कि कौन सी न्यूज पब्लिश करनी है कौन सी नहीं करनी है। आगे रिपोर्टर्स जो काम करते हैं चैनल्स के अंदर में, उनके साथ भी एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि कई बार उनको दबा दिया जाता है किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के बारे में बोलिए अदरवाइज हम आपको नौकरी से हटा देंगे। तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए ताकि वो निष्पक्ष रूप से काम कर सकें। अगला पॉइंट है कि एक पूरा सिस्टम जो है रेटिंग्स का वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की धांधलेबाजी इसमें ना हो और चैनल्स जो है किस प्रकार से इस पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट ना कर सकें। इंटरनल सिस्टम भी अप्लाई करने की आवश्यकता है। देखो जो भी राइटर जो आर्टिकल लिख रहा है या फिर कोई भी रिपोर्टर है अपनी रिपोर्ट दे रहा है न्यूज चैनल्स पे, तो वो पहले बताएगा कि मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई है कि नहीं है। अब देखो जी न्यूज चैनल है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे जी न्यूज जो चैनल है वो बीजेपी के एक सांसद का है, NDTV चैनल है वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, लेफ्ट को या कांग्रेस को, तो इस प्रकार की जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। उनको साफ साफ बताना चाहिए कि भाई हमारा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और जो पेड न्यूज होती है वो भी उसके नीचे भी साफ साफ ये लिखा हुआ होना चाहिए मोटे अक्षरों में, बोल्ड अक्षरों में, कि ये न्यूज है इसके लिए पैसा दिया गया है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स है जो हम ला सकते हैं मीडिया के अंदर में। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, क्वेश्चन आएगा पेपर 2 के अंदर में, डू यू एग्री डेट देर इज अर्जेंट नीड टू ब्रिंग द लेजिस्लेशन टू रेगुलेट द मीडिया एज द प्रेजेंट सेल्फ रेगुलेशन रजीम हैज नॉट वर्कड। क्या आप इस बात से सहमत है कि एक कानून लाए जाने की आवश्यकता है, बनाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो सेल्फ रेगुलेशन का जो रजीम है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अब देखो एक बात ध्यान रखना, लेजिस्लेशन पे काफ़ी विवाद होता है, क्योंकि मीडिया कहती है कि एक बार कानून आ गया, हमको रेगुलेट किया गया सरकार के द्वारा, तो सरकार अपनी राय हम पे थोपेगी, इम्पोज करेगी, मीडिया इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं कर सकेगी। तो दूसरा पक्ष जिसे आर्टिकल में नहीं डिस्कस किया गया है वो आपको लिखना है आंसर के अंदर में। देखो सिर्फ आर्टिकल पे क्वेश्चन बन जाएगा तो फिर आप सोचोगे कैसे, फिर तो जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए वही आप आंसर में लिख दोगे। मजे तो तब आएंगे ना जब, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आपको सोचने के लिए मजबूर करना, आपको इम्पावर करना। ज्यादा तो नहीं हुआ, चलो कोई ना, आगे चलते हैं। सिविल सर्विस रिफॉर्म से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देखो
सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स लाने के लिए जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, दो तीन जो उन्होंने स्टेप्स लाए, वो पहले तो वो डिस्कस किए जा रहे हैं, जैसे कि ऑल इंडिया सर्विसेज हैं और सेंट्रल सर्विसेज के अंदर में कुछ ऑफिसर्स जिनके ऊपर में करप्शन के आरोप हैं उनको रिटायरमेंट दे दी गई है। 50 साल की उम्र में ही उनको कह दिया गया कि आप रिटायरमेंट ले लीजिए, क्योंकि सरकार को लगता है कि ये ऑफिसर्स कुछ काम के नहीं है, ये आगे जाके अच्छा काम नहीं करेंगे। लेटरल एंट्री की तरफ भी सरकार ने कहा है कि डीओपीटी को कहा कि आप प्रॉपर ढंग से प्रपोजल दीजिए, हम उस पर विचार करेंगे और लेटरल एंट्री होगी गवर्नमेंट के अंदर में जॉइंट सेक्रेटरी लेवल तक। देखो, जो लेटरल एंट्री के पक्ष में कौन से पॉइंट दिए जा सकते हैं, 21वीं शताब्दी में जो भारत है वो नहीं चलाया जा सकता उस सिविल सर्विसेज से जो 18वीं शताब्दी के हिसाब से बनाई गई थी, समझ गए? यानी अब भारत चेंज हो गया है, अब सिविल सर्विसेज के अंदर में भी रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है, लेटरल एंट्री उसी का पार्ट है। अगर लेटरल एंट्रेंट्स आएंगे सिविल सर्विसेज के अंदर में तो फ्रेश एनर्जी उनके पास में होगी, एक्सपर्टीज होगी उनके पास चीजों की, और सिविल सर्वेंट्स जिनको लगता है कि ऑटोमेटिक उनकी प्रमोशन हो जाती है, उनकी जॉब को कोई खतरा नहीं है, वो भी सचेत हो जाएंगे, अच्छे से काम करेंगे। काफी सारे सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे रघुराम राजन और भी काफी सारे मोन्टेक सिंह आहलूवालिया जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है, ऐसा आर्टिकल कहते हैं। उसके बाद में नो, लेटरल एंट्री क्यों नहीं अलाउ होनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे अनसक्सेसफुल एग्जाम्पल्स भी हैं। और अभी देखो जीएसटी जिसने इंप्लीमेंट किया और काफी सारे जो रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं मेक इन इंडिया या फिर दूसरे स्टार्टअप इंडिया, वो सारे ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा हो रहे हैं, वो लेटरल एंट्रेंस नहीं है, वो आईएएस के द्वारा हो रहे हैं। हसमुख अढ़िया जिन्होंने जीएसटी अभी इंप्लीमेंट किया है, मतलब जो मेन ऑफिसर थे आईएएस हैं, इनका पूरा रोल रहा है जीएसटी को इंप्लीमेंट करने में। तो ये देखो, ये आमतौर पर जो जर्नलिस्ट हैं वो भी अहम भूमिका निभा सकते हैं, लेटरल एंट्रेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर लेटरल एंट्री अलाउ होगी तो काफी ज्यादा नेपोटिज्म होगा, भाई भतीजावाद होगा उसमें, गवर्नमेंट अपनी आइडियोलॉजी को फेवर करने वाले ऑफिस को अपॉइंट कर सकती है। और जो अगर लेटरल एंट्रेंस आएंगे तो कई बार देखो उनको ग्राउंड सिचुएशन का पता नहीं होता। अभी मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरे काफी सारे दोस्त हैं अभी तो सर्विसेज के अंदर में, चीजें उतनी आसान नहीं होती जितना हमें लगता है, काम करवाना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वहां जाएंगे तो आईएएस की सारे सुनने लग जाएंगे, निचले लेवल से ही डर लगता है सबऑर्डिनेट्स को, ऐसा कुछ भी नहीं होता। गौरव अग्रवाल जो 2013 के टॉपर हैं, उन्होंने अपने एक लेक्चर में बताया भी था, आपने अगर उनका लेक्चर सुना हो तो, काम करवाना पड़ता है। जो नीचे जो स्टाफ होता है वो काफ़ी चीज़ों में डिवाइड होता है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अगर उनको कुछ भी कहो तो उनकी पहले से लोभी होती है, कई बार उनको प्यार से काम करवाना पड़ता है, कई बार उनको एक प्रकार से धमका के काम करवाना पड़ता है, तो चीज़ें उतनी आसान नहीं होती। तो कहने का मतलब क्या है, लेटरल एंट्री से जो लोग जाएंगे वहाँ पे, उनका एक्सपीरियंस होता है प्राइवेट का, तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करवा सकेंगे, उनको समझने में ही बहुत समय लग जाएगा, तो इसीलिए लेटरल एंट्री नहीं होनी चाहिए, ऐसा आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिया जा रहा है। आगे है देखो, कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, अगर लेटरल एंट्री होती है तो कई बार ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो अपने पर्टिकुलर पर्संस को, यानी अब जैसे उर्जित पटेल पे आरोप लगे थे, सिर्फ आरोप लगे थे, यहाँ पे शब्दों का चुनाव आंसर्स लिखते समय बहुत ध्यान से करना होगा। उर्जित पटेल पे आरोप लगे थे कि उन्होंने पहले रिलायंस में काम किया है, तो कैसे वो गवर्नमेंट में आरबीआई के हेड के तौर पर निष्पक्ष रूप से काम कर सकेंगे, समझ गए? सिर्फ आरोप लगे थे। तो इस प्रकार से कई बार ऐसी चीजों का सामना करना पड़ सकता है कि लेटरल एंट्री के जो लोग हैं वो पहले उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज में काम किया हो, अब गवर्नमेंट के अंदर में काम करेंगे तो वो अपनी पुरानी कंपनीज हैं उन्हीं के इंटरेस्ट को आगे करेंगे। आईएएस जो है वो भी काफी नाखुश होते हैं अगर लेटरल एंट्रेंस को जगह दी जाती है सर्विसेज के अंदर में। तो सबसे लास्ट में कहते हैं कि आज सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी को भी हार्नेस किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है, खास करके ये फोकस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर यूज किया जाता है तो काफी एक्यूरेसी आएगी, सुपेरिटी आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी और लो कॉस्ट पे सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो आज आवश्यकता है कि काफी सारी ऐसी सर्विसेज जैसे पासपोर्ट्स, लाइसेंस, बिल्डिंग्स के लिए परमिट देना, सर्टिफिकेट्स बनाना, तो अगर इन सब चीजों में गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करती है तो काफी फायदा होगा। तो ये पूरा आर्टिकल है सिविल सर्विसेज से रिलेटेड, तीन ही पॉइंट्स हैं मेनली इसमें, टेक्नोलॉजी और लेटरल एंट्री, और पहला जो गवर्नमेंट के द्वारा रिटायरमेंट दिया जा रहा है 50 साल की उम्र तक जो ऑफिसर्स गवर्नमेंट को लगता है अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो आगे हम एथिक्स का क्वेश्चन देख लेते हैं आज जो आपको अटेम्प्ट करना है। मींस आर एज इंपॉर्टेंट एज एंड्स इन एथिक्स, यानी मींस भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि एंड्स एथिक्स के अंदर में, आप इसको इस बात पर टिप्पणी करनी है। तो इस डिस्कशन में बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।